IPL 2020 से पहले होने वाली नीलामी की प्रक्रिया का काउंटडाउन इस समय शुरू हो गया और इसी कड़ी में नीलामी से पहले जो ट्रेडिंग होगी उसमें पंजाब की टीम भी 6 अपने प्लेयर्स को रिलीज करने वाली है। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं इन्हीं प्लेयर्स के नाम आपको बताऊंगा और कारण भी बताऊंगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी MCP क्रिकेट फैमिली और IPL फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहले प्लेयर जिनको 125% पंजाब की टीम अपनी टीम से बाहर करने वाली है वो है मोइसेस हेंड्रिक्स। दोस्तों अगर हम 2019 के IPL की बात करें तो मोइसेस हेंड्रिक्स को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि जिस मैच में इनको सेलेक्ट किया गया था उसी मैच में ट्रेनिंग के दौरान ये इंजर्ड हो गए थे और उसके बाद वो IPL में दिखे नहीं थे। जरूरत थी पंजाब की टीम को इनकी, क्योंकि पंजाब की टीम का परफॉर्मेंस पिछले साल के IPL में बहुत खराब रहा था। और मोइसेस हेंड्रिक्स कुछ इस तरह के प्लेयर रहे हैं, मुझे याद है एक बार ये हैदराबाद सनराइजर्स की तरफ से भी खेले थे, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस रहा था मोइसेस हेंड्रिक्स का। लेकिन अब शायद ये बात हेंड्रिक्स के अंदर रही नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सेलेक्ट नहीं होते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है और मेरे हिसाब से इनका रिलीज होना कन्फर्म्ड है पंजाब की टीम की तरफ से। दोस्तों दूसरे प्लेयर जो कि रिलीज होंगे किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की तरफ से वो है मुरुगन अश्विन। मुरुगन अश्विन की जो एंट्री हुई थी ना किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में वो रविचंद्रन अश्विन के कारण हुई थी, क्योंकि वो सेम एरिया से सेम स्टेट से आते हैं और कैलिबर भी है। मुरुगन अश्विन उस तरह का प्लेयर था, एक जमाने में धोनी ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में इन्हें मौका दिया था और ये बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किए थे, रविचंद्रन अश्विन से भी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। लेकिन अब मुरुगन की उल्टी गिनती, काउंटडाउन इनका भी शुरू हो गया है, क्योंकि पिछले बार के IPL में 2019 के IPL में पंजाब की तरफ से 10 मैचेस खिलाए गए, सिर्फ 5 विकेट लिए। इस तरह के डोमेस्टिक प्लेयर से आप ऐसे परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि हर एक मैच छोड़कर विकेट ले रहे थे, जो कि कोई भी पार्ट टाइम बॉलर भी ले सकता है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी इतना अच्छा नहीं गया। मेरे हिसाब से मुरुगन अश्विन इस बार पंजाब की टीम की तरफ से कन्फर्म रिलीज होने वाला है, अगर रिलीज हुए ना तो फिर इनको खरीदार भी नहीं मिलने वाला परफॉर्मेंस के आधार पर। तीसरे प्लेयर जो कि रिलीज हो सकते हैं और इनकी एक राइवलरी चल रही है BCCI के साथ जो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, वो है भाई करुण नायर। करुण नायर ने एक मैच खेला था पिछले बार के IPL में जिसमें 5 रन बनाए थे। इनका जब टेस्ट मैचों में सिलेक्शन नहीं हुआ था ना उसके बाद से ये BCCI के खिलाफ बोलने और लिखने लगे थे, और जब आप किसी भी अपने पेरेंट बॉडी के खिलाफ बोलने और लिखने लगते होते हैं तो वो आपसे बदला लेता है। उसके बाद से इन्हें टेस्ट मैचों के लिए कंसाइडर ही नहीं किया गया, करुण नायर को सोचा ही नहीं गया कि इनको लिया जाए, अभी भी नहीं लिया गया है और IPL से भी इनका पत्ता कटने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स इस तरह से IPL के खिलाफ BCCI के खिलाफ बोल चुके हैं और उनका पत्ता कट चुका है। पिछले बार एक मैच खेला था, सिर्फ 5 रन बनाए थे, हो सकता है पंजाब इस बार रिलीज भी कर दे। अगर रिलीज हुए तो शायद एक दो टीमें इन पर बिडिंग करेगी, क्योंकि ये कैप्टेंसी के लिए अच्छा विकल्प होते हैं, देखते हैं इन पर आगे क्या होता है। फोर्थ प्लेयर, चौथे खिलाड़ी जो कि इस बार के IPL में पंजाब की तरफ से अब नहीं खेलने वाले हैं वो है भाई वरुण चक्रवर्ती। मैं इस खिलाड़ी के सख्त खिलाफ हूँ, मेरे हिसाब से इस प्लेयर को अब मौका नहीं मिलना चाहिए, और अब अगर इन्हें मौका मिलना चाहिए तो इनसे बोलना चाहिए कि 2-3 सीजन फ्री में खेलो, क्योंकि पिछले साल अराउंड 8 करोड़ रुपए दिए थे पंजाब की टीम ने, एक मैच खिलाया, एक विकेट लिया इन्होंने, मतलब एक विकेट 8 करोड़ का पड़ा पंजाब की टीम को। वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, ये कुछ ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने बहुत बुरी तरीके से मुझे निराश किया था और आप सभी को भी किया होगा। मेरे हिसाब से चक्रवर्ती को अब मौका नहीं मिलेगा पंजाब की तरफ से, क्योंकि वो 8 करोड़ रुपए पंजाब पर्स में रखेगा अपने और नीलामी में कुछ ऐसे खिलाड़ी पर खर्च करेगा जो कि कुछ वैल्यू जोड़ सके टीम को। वरुण चक्रवर्ती का जाना भी तय है। फिफ्थ प्लेयर जो कि अब हमें खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की तरफ से और मैं भी इनके खिलाफ हूँ, वो है सरफराज खान। सरफराज खान ने पिछले बार में IPL 2019 में 8 मैचेस खेले थे, सिर्फ 180 रन बनाए थे। दोस्तों एक समय था कि RCB की टीम ने सरफराज खान को रिटेन किया था, सरफराज खान एक बहुत वैल्यू रखते थे विराट कोहली के लिए, लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 सीजन गए हैं ना सरफराज के, बहुत बुरी तरीके से इन्होंने अपनी खुद की वैल्यू को खराब किया है, क्योंकि एक जमाने में सरफराज को एक बहुत बड़ा युवा टैलेंट भारत में माना जाता था, 2-3 साल पहले की ही मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इतने खराब डोमेस्टिक इंटरनेशनल परफॉर्मेंस इनके गए हैं, अंडर 19 के लोकल लिस्ट के परफॉर्मेंस गए हैं कि अब इन्हें कंसाइडर नहीं किया जाता। इस बार अगर बाहर हुए सरफराज तो फिर इनकी एंट्री IPL में बहुत मुश्किल होगी। दोस्तों छठवें प्लेयर जिन्हें किंग्स इलेवन पंजाब की टीम अपनी टीम से बाहर कर सकती है, आउट कर सकती है, वो है मुजीबुर रहमान। मुजीब ने 5 मैचेस खेले थे पिछले बार के IPL में, 3 विकेट लिए थे। रविचंद्रन अश्विन की बहुत अच्छी खोज थी और पसंद थी मुजीबुर रहमान, और रविचंद्रन अश्विन चाहते थे कि लंबे समय तक सर्व करें। इससे पहले जो सीजन गया था उसकी तरफ से इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की थी पंजाब की तरफ से, रविचंद्रन अश्विन को खुश किया था, लेकिन पिछले साल 2019 के IPL की बात करें तो सिर्फ 3 विकेट निकाले। इनसे जो उम्मीद थी ना उसका ये 40% 20% भी नहीं प्रोवाइड कर पाए, पंजाब की टीम की वैल्यू इन्होंने खराब की
और मुजीब का रिलीज होना तय है। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि अगर मुजीब और रहमान रिलीज हो जाते हैं तो आईपीएल में कई सारी ऐसी टीमें जो इन पर क्रॉस बिडिंग करेगी, मतलब फिर से बिडिंग करेगी, क्योंकि मुजीब जैसे खिलाड़ी जो है ना वो ऐसे प्लेयर हैं कि जिस सीजन में भी फॉर्म में आ गए उसके बाद कंटिन्यू कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं। तो पंजाब की टीम इन्हें रिलीज जरूर कर सकती है। अगर रिलीज हुए तो ये पंजाब के लिए नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे प्लेयर आईपीएल इतिहास में आए हैं जिन्हें किसी टीम ने रिलीज किया है। डेविड वार्नर को दिल्ली ने रिलीज कर दिया था और उसके बाद आज देखिए वो कितना बड़ा प्लेयर बन गया। तो भाई मुजीब के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये वो 6 खिलाड़ी होंगे जिन्हें किंग्स इलेवन पंजाब की टीम अपनी टीम से रिलीज कर सकते हैं। मैंने सभी के कारण भी बताया, हालांकि बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर है जिनके नाम मैं नहीं ले रहा हूं, उन्हें भी रिलीज किया जा सकता है। आपके हिसाब से किन प्लेयर्स को रिलीज किया जाना चाहिए और किन्हें नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।